हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन को ना फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आपको कैसे करना है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पर टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट आपको लिखना है। तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा, यानी कि फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको चार बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो सिम कार्ड होता है उसे मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में अगर कोई भी मेमोरी कार्ड आपने लगा रखा है तो उसे भी मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। तीसरी बात ही ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन का जितना भी डेटा है ना, अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, ठीक है। और बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जो जीमेल आईडी होती है ना, जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, लिख के रख लेना है, ठीक है। तो ये चार काम पहले करना है, उसके बाद फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि बैकअप लेने का फायदा क्या होता है मोबाइल फोन के डेटा का। देखिए दोस्तों, जब आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं ना, तो आपके मोबाइल फोन के अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपके मोबाइल फोन की पहले वाली जीमेल आईडी को जब आप दोबारा से अपने फोन में लॉगिन करते हैं ना, तो आपके मोबाइल फोन का डेटा जो डिलीट हो गया था ना सारा का सारा डेटा वापस आ जाता है आपके फोन में, ठीक है। तो बैकअप लेने का ये फायदा होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप बैकअप नहीं, ये चारों का जो चार बात मैंने आपको बताई थी ना, ये चारों काम अगर आप पहले नहीं करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन के डेटा जो है ना सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और आप उसे दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको दोबारा से रिकवर करना है अपने फोन के डेटा को, तो आपको वो चार काम कर लेने हैं जो मैंने आपको चार काम बताए थे फैक्ट्री रीसेट करने से पहले, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में सारी बातें बता दी है। तो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इस तरीके से अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है।